control now. Out of control now. So lonely, Mr. Lonely. हेलो पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट और नॉट विद मी वीजे उमर। आज हम लोग कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में आए हुए हैं, KSBL के नाम से बिल्कुल मशहूर है। दिस कैंपस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी टू द बिजनेस स्टूडेंट्स ओवर हियर, और टेक्निकली बहुत साउंड है ये कैंपस। यहाँ पे हर किस्म की सहूलत जो है वो बच्चों को दी जाती है टू प्रोवाइड देम विद अ परफेक्ट एजुकेशन एनवायरमेंट। यहाँ पे पढ़ने में किसी किस्म की जो है वो दिक्कत नहीं होती होगी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट क्रिएटेड ओवर हियर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। वी हैव सुहेब विद अस, जो हमें बताएंगे कि वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है। सुहेब हमें बताएंगे कि इस कैंपस के बारे में। हम इनके साथ पूरा जो है कैंपस टूर करेंगे, एक चेक करेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को। सुहेब, आप कब से KSBL में हैं? यार पूरा एक साल हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली वी हैव टर्म सिस्टम इन KSBL, तो हमारा फोर्थ टर्म जो है वो बिल्कुल अब एंड होने वाला है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी समर्स ब्रेक है जिसमें हम इंटर्नशिप करेंगे, देन सेकंड ईयर विल स्टार्ट। बिल्कुल टू, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे हाउ इज लाइफ एट KSBL? यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज हैं, इतना जो है वो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंपस इतना अच्छा बनाया हुआ है, और तो इसके अंदर पढ़ते हुए यहाँ पे जो चीजें हैं उनको देखते हुए, do you feel that this campus is really technically sound? Oh yes, we have the state of the art campus. इसमें आप कोई भी फैसिलिटी की बात करें, अगर if you talk about the computer labs, we have Core i7 with Windows 8. When you talk about recreational activities, we have gym, we have table tennis and foosball and stuff like that. Besides that, when you talk about technological stuff, so throughout the campus we have 10 Mbps Wi-Fi. We are working on cloud computing technology as well. So let's do one thing, without wasting time, आपके साथ चलते हैं, एक campus tour करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि किस किस तरह की facilities हैं, क्या क्या चीजें provide कर रहा है KSBL अपने students को। Let's go. जी सुहेब, when I entered this campus तो मैंने realize किया था कि यहाँ पे security measures जो हैं वो बहुत सख्त किस्म के हैं। On entering the campus मैंने बाहर भी देखा था कि छत पे बहुत से guards खड़े हुए थे, गेट के ऊपर देयर सेवरल गार्ड्स ओवर देयर, और कैंपस सीम्स टू बी हाईली सिक्योर्ड फ्रॉम ऑल फोर एंड्स। सो आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे KSBL की सिक्योरिटी को? बेसिकली देखें, कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है दैट इज़ रियली अनसर्टेन। तो हमने जब इतना हैविली कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है और फिर स्टूडेंट्स की लाइफ की भी सिक्योरिटी है, तो वी हैव टेकन एक्स्ट्रा मेजर्स। ठीक है, तो इसमें अगर कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, वी हैव टू स्टे लेट एट नाइट, तो हमें कोई इशू नहीं है। दिस थिंग इज एक्चुअली गुड के बिकॉज दिस लोकेशन इज सो सिक्योर कि अगर अनफॉर्चुनेटली कराची में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हालात ख़राब होते हैं, तो दिस प्लेस इज सिक्योर फॉर दीज पीपल टू स्टे लेट नाइट तक भी ये लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। उसके साथ आई कैन सी दिस टाइटल डिस्प्लेड सेइंग फर्स्ट एड, तो इन केस यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, इन केस ऑफ इमरजेंसी जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट किट होती है दैट इज़ अवेलेबल हियर, और एज फार एज डॉक्टर्स आर कंसर्न तो वी हैव नो इश्यूज बिकॉज वी हैव कॉन्टैक्ट विद लियाकत नेशनल एज वेल एज आखान हॉस्पिटल एज वेल, जो कि बिल्कुल रोड के अपोजिट हैं। बिल्कुल जी, द लोकेशन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेटेजिक क्योंकि कैंपस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है दे हैव लियाकत नेशनल एज वेल एज आगा खान हॉस्पिटल, तो किसी किस्म की कोई भी अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो दे आर नॉट फार अवे फ्रॉम हेल्प, हेल्प इज एक्चुअली वेरी क्लोज बाय। ठीक है, देयर इज अनदर रूम ओवर देयर एंड इट्स द जिमनेजियम, गो टूवर्ड्स जिमनेजियम एंड चेक इट आउट के जिमनेजियम की फैसिलिटीज जो है वो कैसी हैं और यहाँ पे किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं KSBL के स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, हम लोग जिमनेजियम में आ चुके हैं और यहाँ पे वी कैन एक्चुअली सी मेनी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड मशीन्स, बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट है फॉर एक्सरसाइज और एक प्रॉपर जिमनेजियम है ये। आप यहाँ पे डू यू थिंक ये एक अच्छी फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए? यस, इट्स रियली नेसेसरी बिकॉज वी हैव क्लासेस फ्रॉम 9 to 5, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और आर कोर्स इज रियली रिग्रेस, तो आफ्टर गेटिंग डन फ्रॉम क्लासेस वी यूजुअली स्पेंड 1 आवर हियर और इधर ऑन द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
ठीक है जी, दिस प्लेस सीम्स टू बी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन्स हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड हैं। यहाँ पे इनको बिल्कुल जो है, जब ये लोग पढ़ लिख के यहाँ पे थक के आते होंगे, तो एक्सरसाइज इज गुड गुड फॉर द बॉडी एज वेल एज फॉर द माइंड, तो ये उससे रिफ्रेश फील करते हैं। यू एक्चुअली फील रिफ्रेश्ड व्हेन यू यू नो वर्कआउट ओवर हियर? ओह यस, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्योंकि पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक वन शुड बी केपेबल इनफ टू टेक आउट वन आवर हिम फॉर हिम और हरसेल्फ एज वेल। ठीक है जी, तो ये मशीन जो हैं एक्चुअली ये ट्रेडमिल्स हैं, एंड देयर आर अराउंड एक दो तीन तीन ट्रेडमिल्स हैं यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वो और सारी मशीन्स भी हैं फॉर एक्सरसाइज, एक्सटेंसिव वर्कआउट के लिए यहाँ पे मशीन्स सारी अवेलेबल हैं। तो आफ्टर द जिमनेजियम वी गोना गो टू वर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द कैंपस, जहाँ पे सुहेब जो है वो हमें और चीज़ें दिखाएंगे। बिल्कुल सुहेब चले। ठीक है जी, सो वी गोना मूव टू वर्ड्स द डोर नाउ। लॉकर फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, इज एक्चुअली गुड, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको साथ रखनी ज़रूरी होती हैं, दे हैव टू कीप देम टुगेदर, और उसको एक सेफ जो है अगर चीज़ जगह पे रखनी होती है आपको कोई भी चीज़, तो सबके लिए जो है यहाँ पे लॉकर्स असाइंड हैं। तो डू यू थिंक लॉकर्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कैंपस? बिल्कुल, लॉकर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, एंड वी हैव सेपरेट लॉकर्स फॉर जिम एज वेल। ठीक है, ताकि अगर आपको यहाँ पे सामने जिम्स के लिए डिफरेंट वॉशरूम्स एंड बाथरूम्स ही हैं, तो आप यहाँ पे अपनी बिलोंगिंग्स रख के यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विद एक्सरसाइज। मतलब योर बिलोंगिंग्स आर सेफ इन दिस लॉकर्स? यस यस, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है जिमनेजियम में, यहाँ पे लॉकर्स भी अवेलेबल है। वी गोना मूव टुवर्ड्स द डोर नाउ, क्योंकि हम बाहर जाके और फैसिलिटीज और चीजें चेक करेंगे कि KSBL अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें ऑफर करता है। हेलो पीपल, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द डीन ऑफ KSBL, डॉक्टर शौकत। सर, क्या हाल चाल है? I'm fine, thank you very much for coming in. Thank you. Sir, I have some very general questions about KSBL, because many students would be anticipating and would be curious to know about KSBL, because the infrastructure is truly amazing. It's a state-of-the-art building, and the facilities provided to the students over here are pretty different from regular facilities being provided by other universities. The first question I would want to ask is that while making of this university, the facilities that you all have provided to the students, do you think they are needed in the modern contemporary world for students to acquire education? Again, facilities, infrastructure, support systems are all what we call as hygiene factors. That means if you want to have a world-class institution, some of these things are necessary for you to deliver high quality output. But that's not the only reason, you know, why you can become a top institution. You become a top institution for one and one reason only. That means if you're able to bring in world-class faculty, it will be followed by world-class students. And I believe, you know, it will be, the reputation is just a matter of time. The world business school students especially are very bright individuals. They look at the faculty and they make conscious decisions as to if the faculty will be able to add value to them, will be able to give them the knowledge that they need in order to compete in the real world of business. And once they see that, they will be attracted, you know, automatically towards an institution. So these infrastructure, the library, the labs, the classrooms, all of these things are what I call as hygiene factors that are needed in order to deliver world-class education. True. Another question that I had in my mind was about other institutions of Pakistan. There are several other business schools in Pakistan which have actually established their position from a number of years now. But when it's about KSBL, why should students basically opt for KSBL and not for other business schools of Pakistan, knowing that they are much more experienced, they are much more old than KSBL? KSBL is comparatively a new university focusing on business and entrepreneurship and MBA program. But what is the difference? Why should students opt for KSBL and not for other universities? Again, if you look at the contribution of great institutions in business, for instance, IBA was one of the first institutions which was set up to over in business education, perhaps late 50s, early 60s, you know, it was set up. And
it raised the bar of quality business education over in Pakistan, set up with Wharton collaboration. It was a wow thing over there. Then things were moving sideways. It wasn't making, any waves until perhaps in mid-80s, LUM started coming in and they had their first graduate in 1988. And that raised the bar a little further. And they continued to raise, the level of education, business education in Pakistan. And again, my biased point of view is perhaps it became stagnant after a period of, time. Well, how do I know it? Because I was the dean of LUMS for 3 years as well. And once that happens, we need another institution which will raise the bar even further. I repeatedly say that the contribution of great institutions like IBA, LUMS and many others is not that they produce X number of graduates. The real contribution is that they raise the bar a little higher. Once they do that, let's say IBA raised it here, LUMS raised it, here, KSBL, inshallah, in time is going to raise it even further higher. The benefit to the society, the benefit to the business community, benefit to education in general is that everybody else has to catch up to meet the expectations set up by raised, bars. This is where I see would be the biggest role of, KSBL. Raising the bar does not happen just because I say so. It doesn't happen because KSBL wishes to raise the bar. It happens by tangible outputs. Our first tangible output is the quality of the faculty. At this stage, I have clearly 5 out of 12 resident faculty who are clearly one the leaders in their areas of expertise, if not the best. They are probably one of the best faculty over not only in Pakistan but perhaps in the region, as well. If you are able to assemble a brilliant group of individuals who are at that pace, at that level, you will be able to raise the bar, and that's what my firm belief is. And our success is going to be a function of how we continue to add vibrancy in terms of academics, in terms of quality of faculty, in terms of quality of student body, in terms of our executive education, in terms of our research impact, and the list goes on and on. Exactly. Any student who is actually focusing to acquire education as an entrepreneurship, in entrepreneurship or in a business school, I would request, and I hope that you guys should be considering KSBL as a very good option. Because the aims and goals of this institution are pretty focused towards a certain goal, which is to make you guys and position you guys in the bestest organizations in your future. Thank you so much, sir, for your time. It was a pleasure talking to you. Thank you. Okay, people, we are moving towards the cafeteria of KSBL, or bahut ek zabardast kisam ka cafeteria hai. सोहेब हमें कंपनी कर रहे हैं, बताएंगे कैफेटेरिया के बारे में भी. सोहेब, इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना एक बहुत ज़बरदस्त सी कैंटीन भी है वहाँ पे. व्हाट हाउ वुड यू वांट टू डिस्क्राइब द कैफेटेरिया ऑफ केएसबीएल? आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ का कैफेटेरिया, क्योंकि इतना टाइम हो गया है आपको यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब आप लोग नए नए आए होंगे तो बहुत फैसिनेट हुआ होंगे देख के इसको कि इतनी ज़बरदस्त सी जो है वो जगह है, कैफेटेरिया भी इतना अच्छा है. व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट द कैफेटेरिया? यर एनवायरनमेंट इज़ रियली गुड, फूड इज़ गुड टू, और सबसे अच्छी बात ये है कि व्हेन वी गेट डन विद आवर टू क्लासेस एट 1:30, तो वी हैव सेम टाइम ऑफ लंच जहाँ पे हमारे फैकल्टी मेम्बर्स, सारे स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स सब यहीं पे एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं. तो व्हाट अबाउट द हेल्थ स्टफ, क्योंकि काफ़ी कैंटीन वगैरह पे जो सामान बन रहा होता है, दे यूजली हैव हेल्थ इशूज, यू थिंक यहाँ पे प्रॉपरली सुपरवाइज है सारा कुछ? हाँ, बिल्कुल है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एक फूड कमेटी बनाई हुई है, उसमें हमारे टीचर्स भी हैं और उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, और ये सबसे बड़ी हेल्थ की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये इसी बात की है क्योंकि डीन ऑल्सो हैव द लंच फ्रॉम द सेम कैफेटेरिया.
ठीक है, तो हेल्थ का मतलब फिर तो जो है वो इशू खत्म हो जाता है कि जब कंसर्न लोग खुद इसी कैफेटेरिया को यूज़ करते हैं टू हैव लंच, तो ऑटोमेटिकली जो है वो किसी किस्म का कोई भी जो शक होता है, डाउट होता है अबाउट द हेल्थ यू नो स्टफ, तो वो जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। वी आर गोना मूव आउट नाउ और चलते हैं किसी और कोर्टयार्ड की तरफ। तो जी, दिस इज़ द कोर्ट यार्ड ऑफ KSBL और अच्छी खासी जो है वो बड़ी जगह है। द बिल्डिंग इज़ एक्चुअली द बिल्डिंग लुक्स टू बी वेरी गुड और एक बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। यू लाइक योर कैंपस? ओह यस, द अमेजिंग थिंग अबाउट आर कैंपस इज दैट अगर आप ये कोर्ट यार्ड देखो, यहाँ पे जिस तरह सन स्प्रेड हो रहा है, तो दिन के वक्त हमें पूरे कैंपस में लाइटें जलाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है, और द अमेजिंग बिल्डिंग दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ दिस कोर्ट यार्ड इज़ आर लाइब्रेरी। तो वो इसके अंदर ही लाइब्रेरी है। एंड द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस कैंपस इज़ कि जो यहाँ पे धूप पड़ती है वो इस एंगल से बनाया गया है, ये क्योंकि सोलर पावर जनरेट हो रही है। इट्स सोलर पावर जनरेट हो रही है। अगर आप राइट पे देखें तो दैट इज़ आर फैकल्टी विंग और ये लेफ्ट पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन विंग है। सामने लाइट इतनी ब्राइट किस्म की यहाँ पे लाइट आ रही है, तो अंदर किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती। वी गोना मूव आगे क्योंकि अब यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही है। दिस राउंड स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग इज बेसिकली द लाइब्रेरी। तो हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे अब और लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं कि कैसा जो है वो एनवायरमेंट और माहौल है लाइब्रेरी का। दिस प्लेस इज बेसिकली द लाइब्रेरी एंड इज ऑल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है जी, वी गोना मूव टुवर्ड्स द लाइब्रेरी नाउ। आई डोंट थिंक सो इफ यू आर अलाउड टू स्पीक इन द लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी के एथिक्स के खिलाफ होता है। हम सिर्फ रोल आउट करके दिखा देते हैं कि लाइब्रेरी है कैसी, एंड देन वी गोना मूव आउट। ओके पीपल, वी जस्ट चेक्ड आउट द लाइब्रेरी ऑफ KSBL। आपको कितना फ़ायदा होता है इस लाइब्रेरी से फॉर डूइंग रिसर्च अबाउट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह? जब भी आप रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो लाइब्रेरी कितना फ़ायदेमंद साबित होती है? यार, हमारा IRC इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द ब्रिक एंड मोर्टार लाइब्रेरी, वी हैव एक्सेस टू वेरियस ऑनलाइन लाइब्रेरीज एज वेल लाइक एमराल्ड वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होता है ऑनलाइन रिसर्च वगैरह देखने में। जी, इट इंक्रीजेज द स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। लाइब्रेरी के अंदर क्योंकि हमें ज़्यादा जो है वो बात करना अलाउ नहीं होता, एंड आई थिंक मैं बाहर खड़ा के बात कर रहा हूँ तब भी थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्बेंस अंदर हो रही होगी। वी गोना मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस नाउ और चलेंगे हम लोग MBA लाउंज की तरफ। MBA लाउंज की तरफ। ओके, सो दिस इज बेसिकली द MBA लाउंज, जहाँ पे MBA के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। इट्स मोर लाइक अ कॉमन रूम फॉर देम। बिल्कुल कॉमन रूम है, और प्लस ये कि क्योंकि लाइब्रेरी में अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू कीप क्वाइट। ठीक है, अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी है या थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ TV चला के देखना है, जिस तरह अक्सर पाकिस्तान वगैरह का मैच भी आ रहा होता है, तो हम लोग इधर ही बैठ के। जी बिल्कुल, ये एक रिलैक्स किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब आप पढ़ते रहते हो तो यू एक्चुअली फेस ब्रेन ड्रेन। बिल्कुल आपका दिमाग जो है एकदम सोन हो जाता है कि यार कितना पढ़ूंगा। तो दिस प्लेस इज समथिंग वे यू कैन एक्चुअली डू यू नो ग्रुप स्टडी। आप अगर बोर हो रहे होते हैं तो आप TV के साथ साथ भी जो है वो पढ़ सकते हैं। यू कैन एक्वायर सम गुड स्टफ, नॉलेज वगैरह जो एजुकेशन आप पढ़ रहे होते हैं बुक्स के थ्रू, वो ज़्यादा प्रॉपरली आप एब्जॉर्ब कर पाते हो जब आप एक अच्छे रिलैक्स एनवायरमेंट में होते हो। तो वी गोना मूव टुवर्ड्स ऑडिटोरियम नाउ। ठीक है जी, सो वी गोना गो टुवर्ड्स ऑडिटोरियम। ओके पीपल, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम। सर, क्या हालचाल है आपके? आई होप यू डूइंग गुड। सर, यू आर एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन व्हेन वी वुड वांट टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी। यू आर एक्चुअली अ बेटर ऑप्शन फॉर अस टू नो थिंग्स फ्रॉम, बिकॉज हमसे बेहतर यू नो अबाउट द कैंपस। आई वुड वांट टू नो अबाउट योर स्पेशलाइजेशन फर्स्ट, बिकॉज आई रेड दैट यू आर अ PhD इन इकोनॉमिक्स। Apart from that, what are the courses that you're teaching in KSBL? I'm teaching, in fact, macroeconomics and the global economy, then managing innovation strategically, and managing financial institutions to different semesters. Is it focused towards the program of entrepreneurship, or is it for the MBA graduates, for the MBA students? No, in fact, it's not like this. That we are offering the MBA degree,
And then in MBA, our focus is on some leadership qualities, some entrepreneurial qualities, rather than just to prepare them for doing the day-to-day business. You mean to say that you try to put the qualities of an entrepreneur into the students so that they can make innovative ideas? They should be having something new to discuss or to do in life, because an entrepreneur is actually the person who takes the risk. So when they are ready, you actually are putting the confidence in the students so that in their life, in their professional life, they're able to take decisions themselves and able to take aggressive, confident decisions. Is that true? Yeah, sure. I would want to know why is it like in Karachi and in Pakistan, there are many other universities who are basically focusing on the business side and even on entrepreneurship. Why should students opt for KSBL and not for other institutions, knowing that those institutions are old as 20 years, 10 years, and they have recognition, they're already restored in minds of people, then why should people opt for KSBL? What is the difference? I think the value proposition is quite clear, that once some students are going to join KSBL, state of the art facilities, number one, faculty, and then apart from faculty, the focus is on leadership and entrepreneurship rather than just to prepare them for the day-to-day business, as I said earlier. And then apart from this, that we have a very kind of novel kind of an addition to our program, and that is we have a CEO mentorship program in which each set of five to six students have been assigned to one CEO of the very kind of a national level or international level organization in Pakistan, and those students are going to get some counseling, some advice as far as their career is concerned, as far as different issues are concerned in managing the businesses. So this program is going to, of course, enrich their experience while being at KSBL, and once they will be ready for the job market, then eventually this experience they are going to get from the faculty. The faculty is not only that they are teaching some courses, most of our colleagues over here, they have worked in the industry, they have worked for the corporate sector, they are yet engaged in different consultancy projects, and eventually the kind of not only theoretical or the classroom knowledge, rather what is happening around the world, what is happening within the Pakistan economy, that's being shared in the real time and with the students. And then students are... I would recommend every student who is watching us right now to come to the open house sessions of KSBL in order to understand KSBL and understand it closely, to meet the faculty and to understand how better their future can be if they are a part of KSBL. Thank you so much, sir, for your time. It was great talking to you. Bahut acha laga aapse baat karke, and I hope that people are actually looking forward to at least come to KSBL, meet these people over here, because these leaders over here can make you guys big leaders in the coming future. Thank you so much, sir. सोहेब, आप हमें बता सकते हैं कि ऑडिटोरियम में जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को अवेलेबल होती हैं, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ के प्रेजेंटेशंस वगैरह और सेमिनार्स वगैरह जो हैं वो ऑडिटोरियम में होते हैं. केएसबीएल में आप ऑडिटोरियम किस तरह यूज़ करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन द ऑडिटोरियम ओवर हियर? एक्चुअली इन द ऑडिटोरियम वी हैव कैपेसिटी ऑफ 270 सीट्स, ठीक है, और प्लस जो हमारे ऑडिटोरियम की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पूरे कैंपस में, तो एट द सेम टाइम वी कैन हैव लाइव कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम 50 प्लेसेस, ठीक है, और क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन में हैं विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो हमारे उनसे जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो सब आप लोग ऑनलाइन जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं कि कभी भी इफ देयर इज इंपॉर्टेंट लेक्चर गोइंग ऑन तो यू गाइस कैन सिट हियर इन द ऑडिटोरियम और पाकिस्तान से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. ये बहुत एडवांटेजेस होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको अपने ही होम टाउन में बैठ के आराम से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुन सकते हैं. वी गोना मूव टुवर्ड्स द क्लासरूम नाउ, देखते हैं यहाँ पे क्लासरूम का माहौल कैसा होता है.
ठीक है जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लासरूम. एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम नाउ एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो इनसाइड. देखते हैं क्लासरूम्स कैसे हैं यहाँ पे. द क्लासरूम सीम्स टू बी यू नो प्रीटी बिग और बहुत डिफरेंट किस्म की जो है यहाँ पे सीट अरेंजमेंट है. जो यूजुअली हर स्कूल और हर कॉलेज वगैरह में सीटिंग अरेंजमेंट जिस तरह हुई भी होती है, इट्स नॉट द सेम ओवर हियर. यहाँ पे एक सर्कुलर तरीके से जो है वो सारी सीट्स लगाई गई हैं. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि इस क्लास में जो है वो इस तरह सीटिंग क्यों की गई है? बिल्कुल, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये हॉर्स शू शेप में है. बेसिकली वी हैव मिक्स्ड पेडागॉजी ऑफ टीचिंग हियर. तो हम लोग जब केस मेथड पे करते हैं तो इट फैसिलिटेट्स द इंस्ट्रक्टर कि वो अपना आराम से बीच में आ जाएं और इंडिविजुअल अटेंशन मिले हर बच्चे को टू एनालाइज दैट केस. ठीक है जी, विद दैट द टेक्नोलॉजी टू दिस प्लेसेस ओवर हियर कि यहाँ पे हर चेयर के सामने जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट है ताकि किसी को अगर लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इस्तेमाल करनी हो जो उनको पढ़ाई में फैसिलिटेट करेगी तो उनको कोई मसला ना हो. उसके साथ ही दे हैव माइक्स ओवर हियर और अगर उनको कुछ बोलना होता है, क्योंकि जब क्लासेस चल रही होती हैं तो देर आर टाइम्स के टीचर आपको सुन नहीं पाता बिकॉज यू आर एक्चुअली टू फार अवे फ्रॉम द टीचर. तो इन माइक्स के थ्रू जो है आप आराम से अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं. उसके साथ ही दे हैव नेम प्लेट्स. अब दीज आर लाइक द नेम प्लेट्स जो ये लोग यूज़ करते हैं. इनके आगे जो है इनकी नेम प्लेट्स लगे हुए होते हैं तो नो वन एक्चुअली हैज़ अ कन्फ्यूजन अबाउट द नेम. तो जब टीचर को किसी से भी बात करनी होती है तो आई सपोज के टीचर जो है इनको किसी भी डाउट के बगैर ही गेट्स टू नो द नेम बिकॉज ऑफ द प्लेट. ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जब नए आते हैं, न्यू एनरोलमेंट्स होती हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर द टीचर टू नो द नेम्स ऑफ द पीपल. तो दिस इज एक्चुअली अ गुड वे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है वो अच्छी खासी इंटरेक्शन हो जाएगी और नाम की कोई वो भी नहीं होगा, मसला भी नहीं होगा. असल में क्योंकि हमारा क्लास पार्टिसिपेशन पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेड डिपेंड करता है तो जो टीचर असिस्टेंट होता है उसको भी ताकि ग्रेडिंग करने में आसानी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द नेम्स. ओके, वी हैव दिस इक्विपमेंट ओवर हियर. ये एक माइक है फॉर द टीचर एंड विद दैट दिस थिंग इज क्या चीज़ है यहाँ पे जी? ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है. तो हमारा पूरा ये जो लेक्चर रूम है ये इस पोडियम के थ्रू सेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू अगर अभी आप देखते हैं तो ये लेक्चर मोड पे हुआ हुआ है. अगर मैं प्रेजेंटेशन मोड पे करूँगा तो आप देखेंगे उधर वो स्लाइड जो है खुद ब खुद नीचे आ जाएगी और ये लाइट्स जो हैं ये डिम हो जाएंगी. तो बिल्कुल एज सून एज यू मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन मोड, स्लाइड्स जो हैं ये प्रोजेक्टर्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ रहे हैं और लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम हो गई हैं. बिल्कुल वेरी यू नो फैसिनेटिंग चीज़ है ये, क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में किसी स्कूल में इतना स्टेट ऑफ द आर्ट काम हुआ हुआ है और प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली ऑन भी खुद ही हो जाता है. बिल्कुल, प्रोजेक्टर ऑन खुद ही हो जाएगा और प्लस ये कि एट द बैक साइड वी हैव द LCD. तो टीचर को इफ़ ही इज़ गिविंग प्रेजेंटेशन तो उसको बार बार पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इधर आ रहा होगा सेम डिस्प्ले विल बी कमिंग देयर. सो द स्टूडेंट्स विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द टीचर एंड द टीचर कैन लुक एट द बैक और उनको वही चीज़ नज़र आएगी जो वो कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये नहीं होगा जब टीचर जो है वो पढ़ा रहा है तो बच्चे पीछे मस्तियाँ कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है. ऐसा कुछ सीन नहीं है क्योंकि वही स्लाइड्स ही उधर पीछे LCD पे आ रही है. ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, नहीं तो गलत है ना? नहीं नहीं गलत नहीं है. बेसिकली अच्छा ये है कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू हैव टू रेफर बैक टू द सम पॉइंट इन स्लाइड तो आप बजाय इसके कि पूरा पीछे मुड़ के देखो आपके सामने ही वो पूरा लगा हुआ है. तो ठीक है जी, एग्जैक्टली ये क्लासरूम जो है एक हॉर्स शू की तरह इसका पूरा शेप है और इट गेट्स वेरी इजी फॉर द टीचर कि वो इस तरह के माहौल में पढ़ा लें, उनको जो है ज़्यादा जो है वो हिलना भी नहीं पड़ता और whatever is coming on the projector on this side is the same जो उस सामने स्क्रीन पे आ रहा होता है, तो कि कन्फ्यूजन नहीं होती. एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड थ्रू दिस थिंग ऑन द सॉरी दिस टच पैड ऑन द पोडियम. उसके साथ ही लाइट्स भी इसी से कंट्रोल हुई हुई हैं प्रॉपरली. एक सेंट्रलाइज किस्म की जो है ये वो है क्लासरूम है. वी गोना मूव टुवर्ड्स अदर प्लेसेस नाउ और चेक करते हैं कि SBL में और क्या क्या है. सो हम लोग KSBL यूनिवर्सिटी के ब्रेकआउट रूम में बैठे हुए हैं. दिस इज़ नॉट द ओनली रूम ओवर हियर, यहाँ पे और भी बहुत किस्म के इस तरह के ही सिमिलर रूम्स हैं, ब्रेकआउट रूम्स हैं 1, 2, 3, 4 करके और स्पेसिफिक ग्रुप्स यहाँ पे आ सकते हैं. यहाँ पर कोई भी किसी को भी एक्सेस है कि वो कभी भी ब्रेकआउट रूम में आ सकता है? बिल्कुल, एक्सेस किसी को भी है, कोई भी किसी भी ब्रेकआउट रूम में बैठ के पढ़ सकता है. लेकिन इन बेसिकली ब्रेकआउट रूम्स का जो मकसद है वो ये है कि वी हैव क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच क्लासेज ऑफ 2 आवर्स. तो पहला जो आधा घंटा होता है उसमें वी आर सपोज टू कम हेयर
और जो भी केस होता है हमें वो अपने ग्रुप में पहले डिस्कस करना होता है और फिर हम उधर जाते हैं। व्हेनेवर यू गो टू द क्लास तो आप अनप्रिपेयर्ड ना हो और कुछ भी जो भी नॉलेज हो वो आप लोगों ने आपस में शेयर की भी होती है, ताकि व्हेन यू गो टू द क्लास यू हैव समथिंग टू शेयर विद द क्लास एंड व्हिच इज एक्चुअली प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ बेनिफिशियल साबित होती है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिशियल साबित होती है, क्योंकि व्हेन यू आर एनालाइजिंग केस एंड व्हेन आई एम एनालाइजिंग केस तो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो रादर देन गोइंग डायरेक्टली इनटू द क्लास आप अपने पहले ग्रुप में डिस्कस कर लो और फिर जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो ये ब्रेकआउट रूम्स होते हैं ये हर टर्म चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट लर्न के हाउ टू वर्क विद डिफरेंट पीपल, तो इसलिए वो चेंज हो जाते हैं हर टर्म। व्हेनेवर यू वर्किंग विद समवन न्यू तो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, आप यू गेट टू मीट न्यू पीपल, उनके एटीट्यूड को देखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो कि हर बंदे का बिहेवियर किस तरह का है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी फन कि अगर आपको पूरा एक कमरा इस तरह जो है वो रूम मिला हुआ होता है टू डिस्कस एंड टू स्टडी टुगेदर, वो भी विद न्यू पीपल, तो इट गेट्स फैसिनेटिंग और इवन एट टाइम्स इट गेट्स एंटरटेनिंग फॉर यू, क्योंकि अगर वो जो ग्रुप है वो अगर अच्छा दोस्त पूरा ग्रुप दोस्तों का ग्रुप बन जाए तो फिर पढ़ाई जो है वो भी हो जाती है और मस्ती मजाक भी हो जाता है। तो दे आर अलाउड टू you know have fun over here in this room too? बिल्कुल, actually हमारे पढ़ने के तीन levels हैं। अगर हमें बिल्कुल खामोशी से पढ़ना होता है तो हम library में जाते हैं, अगर हमें group study लेकिन थोड़ा तमीज़ के दायरे में रह के करनी होती है तो हम DRs में आते हैं, और जब हमें तफरी ज़्यादा और पढ़ाई कम करनी होती है तो हम MBA lounge में जाते हैं। यहाँ पे DR में सबसे अच्छी जो बात है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करके दिखा दें तो HDMI केबल और USB से डायरेक्ट ये सारी LCDs कनेक्टेड हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप पे कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं इसको USB से डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा, डायरेक्टली TV पे आ जाएगी, ताकि कोई मसला ना हो, सब बैठे हुए तो लैपटॉप पे देखना मुश्किल। HDMI जो है वो पोर्ट्स हैं यहाँ पे, उसके साथ ही यहाँ पे USB पोर्ट्स भी हैं। तो अगर एक ग्रुप बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा है जिसके लिए इट्स गेटिंग डिफिकल्ट कि वो एक ही स्क्रीन शेयर करे लैपटॉप की, तो व्हाट दे कैन डू इज कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो डायरेक्टली इसमें प्लग इन कर लेंगे USB के थ्रू या फिर केबल के थ्रू, और वो टीवी के जो है टीवी पे पूरी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो इट गेट्स इजी फॉर एवरीवन टू हैव अ प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू मूव आउट ऑफ दिस रूम एंड गो टूवर्ड्स अदर प्लेसेस ऑफ KSBL। चलते हैं जी और चेक करते हैं KSBL में और क्या क्या है। यहाँ पे कुछ और थोड़े से लॉकर्स हैं, लॉकर्स जो हैं वो KSBL में पहले भी देखे थे कि वो एक दूसरे एंड पे थे, बट दिस प्लेस इज अनदर प्लेस। यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है वो ये है यहाँ पे कि लॉकर्स के अंदर जो है वो सर्किट बॉक्स लगा हुआ है और उसका एक पर्पज़ है, वो पर्पज़ जो है हम लोग सुहेब से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लॉकर्स हैं, ये तो हम सबको असाइन किए गए हैं, बट वी हैव सम स्पेशल लॉकर्स एज वेल। इसमें मकसद ये है कि इफ़ यू हैव लैपटॉप और आपका मोबाइल या मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो यू कैन सी द सॉकेट देयर, आप उसमें लगाओ और लगा के आप चार्जिंग पे बिल्कुल लॉक कर दो एंड यू कैन टेक द की एज वेल। और ये किसी को बेसिकली असाइन नहीं किए गए, आप ले जाओ और फिर जब आपका मकसद पूरा हो जाए आप ला के की इधर ही छोड़ के वापस चले जाओ। थिंग इज़ एक्चुअली वेरी गुड, आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो प्रोटेक्ट होती हैं यहाँ पे, कि एट टाइम्स इट हैपन्स कि आप कहीं किसी पब्लिकली प्लेस के ऊपर अपनी अपने मोबाइल को या लैपटॉप को चार्ज करना जो है वो सेफ़ नहीं समझते, बट देन दिस प्लेस इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपनी चीज़ लगाते हो यू हैव सिक्योरिटी टू इट, आप उसको लॉक कर सकते हो एंड एज सून एज यू गेट फ्री फ्रॉम योर वर्क एंड यू गेट डन फ्रॉम द वर्क तो यू कैन टेक योर सेलफोन हियर, वो चार्ज भी हो जाएगा और बिल्कुल जी वो सेफ भी होगा क्योंकि नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम यू वुड बी हैविंग एक्सेस टू दिस लॉकर। वी आर गोना मूव टूवर्ड्स द कंप्यूटर लैब नाउ, तो कंप्यूटर लैब में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी है, कैसे PCs हैं। वी आर एट द कंप्यूटर लैब ऑफ KSBL, यहाँ के जो PCs हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेसिकली दे ऑल आर कोर i7 विद विंडोज 8 इंस्टॉल्ड इन ऑल ऑफ देम, तो सारों में विंडोज 8 है, कोर i7 है। इतनी जो इनकी PCs की कॉन्फ़िगरेशन इतनी सूप्ड अप है, तो डू यू थिंक इतने इस तरह की इतने तेज PCs की ज़रूरत पड़ती है व्हाइल यू गाइस आर एक्चुअली स्टडिंग? हाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वी हैव वेरी रिग्रेस वर्क ऑफ लोड, तो अगर आपके PCs ही सही नहीं होंगे और आप साइमल्टेनियसली तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो वैसे ही इंसान को थोड़ा गुस्सा आना शुरू रहता है। एग्जैक्टली, जब PC जो है आपको तंग करता है तो ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा बिल्कुल आ जाता है। तो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत पीसफुल किस्म की जो है एक एनवायरनमेंट है, सब चुपचाप जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो
Do you think it's helpful? आप आराम से सुकून से बैठ के अपना काम यहाँ पे कर सकते हो? जी बिल्कुल, इधर कोई इतना मसले की बात नहीं होती. और कंप्यूटर लैब का बेसिकली इट्स ऑल्टरनेटिव टू लाइब्रेरी. तो अगर आपको थोड़ा सा ग्रुप स्टडी वगैरह करनी है तो ऑल ऑफ अस हैव लैपटॉप्स, तो हम डीआर में जाके कर सकते हैं, यहाँ पे सुकून से काम होता है. ठीक है जी, तो मतलब अगर आपको ग्रुप स्टडी करनी है तो यू गाइज कैन गो टू द डीआरस, वरना अगर आपको अकेले कुछ करना है, पढ़ना है, बैठ के आराम से सर्फ करनी है इंटरनेट, तो फिर आप लोग यहाँ कंप्यूटर लैब के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है जी, तो सुहेब ये सिर्फ एक ही लैब है अभी, या फिर आर यू गाइस प्लान टू मेक अनदर लैब, या फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? लैब अभी ये इतनी सी है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पूरी यूनिवर्सिटी में खाली 38 स्टूडेंट्स हैं, एंड फॉर 38 इट इज़ मोर देन इनफ. बिसाइड्स इट, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वर्चुअल कंप्यूटिंग पे काम करते हैं, तो एवरीवन हैज़ लैपटॉप्स, तो कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि उससे आसानी हो जाती है कि अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो जो उसकी स्क्रीन पे मल्टीमीडिया पे हो रहा होता है वही सब कुछ हमारी स्क्रीन पे भी हो रहा होता है. तो आई थिंक दैट इज़ मोर फीजिबल. ठीक है जी, तो मतलब इफ देयर आर ओनली 38 स्टूडेंट्स अभी KSBL में, तो फिर तो ये मोर देन इनफ है. और सफिशेंट पीसीज ओवर हियर, सारों की कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छी है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू मूव आउट फ्रॉम द कंप्यूटर लैब एंड गो टुवर्ड्स सम अदर प्लेसेस ऑफ KSBL. ओके पीपल, आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डॉक्टर रिजवान अमीन शेख, द एसोसिएट डीन एंड द डायरेक्टर MBA. वेलकम सर, क्या हाल चाल? Waalaikum assalam, alhamdulillah, how are you? Perfectly fine sir. I had some questions about KSBL and I would want to ask them to you because you're actually the right person jo hame properly guide kar sakte hain. Karachi is a place where there are many other universities jo properly established hain. Example abhi main naam nahi le raha, but then again there are many other universities jo business ke liye bhi recognized hain. So why do you think KSBL jo hai unko compete kar sakega, ya phir it can actually stand and live up to your expectations? Sure, let me give you tell you something about KSBL, what KSBL is all about. It's Karachi School for Business and Leadership. Our emphasis is on leadership and entrepreneurship, and that sets it apart from any other institute in Pakistan. And more importantly, what we have is the faculty. And when it comes to a higher education, it boils down to is faculty and faculty, and then the student body. So we got the top line faculty in the country, and also we got the top notch student body. So, and then there are lots of different programs that we have going that sets apart from other institutes in Karachi. Okay, another question that I wanted to ask you about KSBL is that you've provided the people, the students basically, with state-of-the-art setup. Technically, it's very sound. I've actually went myself and checked every classes. I checked the library, and the things were pretty different from other institutions. Do you think it's important for the students to have such technical, technically advanced stuff? Do you think it's important for the students to have these advancements and facilities? That's a very good question. If you look at any academic institute, there are three things that matter the most. First one I already stated, which is the faculty. The second is the infrastructure, and the third is the student body. And we got all three of them. I've already talked about the faculty, which is all foreign qualified. Most of us have PhDs from foreign universities. And we have taught at 30-odd universities amongst the faculty members. Secondly is the state-of-the-art infrastructure, the campus, the auditoriums, the classrooms. We have Wi-Fi enabled campus. We have the state-of-the-art equipment, video conferencing and things like that. For example, we have had seminars, webinars, live webinars with universities like Harvard by sitting right here in Karachi, and the benefit has gone to our students. So from an MBA perspective, that is critical. So that's the infrastructure part. And then comes the student body. We've got people from Karachi, Lahore, Islamabad, Bahawalpur, and now we are, since we are a national school offering MBA program, we are basically reaching out to other parts of Pakistan as well. I don't think so that anyone, any student who's actually planning to opt or make a decision about their career should miss this opportunity. Thank you so much for your time, sir. It was great meeting you.